नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को भगवान विष्णु के चरणों के निकट ही क्यों बैठती है माँ लक्ष्मी, उनकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट क्यों बैठती हैं? तो चलिए जानते हैं ये रोचक तथ्य के बारे में। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। इन्हें कृपा से व्यक्ति को जीवन में धन धान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिया भी हैं। यही वजह है कि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ धाम में विराजती हैं। भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक तरफ श्री हरि विष्णु को षष्ठी का पालनहार माना जाता है, तो वहीं देवी लक्ष्मी को षष्ठी का संचालक। मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसे संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अक्सर धार्मिक तस्वीरों में देखा जाता है कि माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों के निकट बैठती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन की देवी होने के बावजूद भी माँ लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में क्यों बैठती है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु निद्रा में थे, तो नारद जी ने प्रतीक्षा करना ही उचित समझा। तभी नारद जी ने देखा कि माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरणों के पास बैठी हैं। ये देख नारद जी के मन में ये सवाल आया कि आखिर माता हमेशा श्री हरि के चरणों की और ही क्यों बैठती हैं। अपने इस प्रश्न से बेचैन नारद जी खुद को रोक ना सके और माँ लक्ष्मी से उन्होंने पूछ ही लिया। तब नारद जी के सवालों का जवाब देते हुए माँ लक्ष्मी ने बताया कि स्त्री के हाथ में देव गुरु बृहस्पति का वास होता है और पुरुषों के पैर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का। ऐसे में जब माँ लक्ष्मी श्री हरि के चरणों के निकट बैठती हैं, तो इससे शुभता का संचार होता है और धन का आगमन भी। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी न सिर्फ श्री हरि विष्णु के चरणों के पास विराजती हैं, बल्कि भगवान विष्णु के चरण भी दबाती हैं। और जब एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है, तो देव व दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।